आज है 16 नवंबर, बज रहे कुछ 11। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द जिंगाट गर्ल व्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे, मैं तो एकदम ही ज़्यादा मस्त हूँ। सो मैं जो है अपने होटल से निकल चुकी हूँ और जा रही हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें जो है आसपास की वो एक्सप्लोर करने के लिए। सो ब्रेकफास्ट कुछ किया नहीं है, बस होटल से थोड़ा बहुत जो एडिटिंग पेंडिंग था वो एडिट कंप्लीट करके मैं जो है आ गई हूँ बाहर। और ये रहा अपना होटल जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, कामत यात्री निवास, और वहीं से डायरेक्ट सामने है यहाँ पर मंदिर, टेम्पल। टेम्पल के लिए एंटर करते हैं। ये गोपुरम के पीछे ही है अपने शिवा का स्टैचू। अंदर एंटर करने के पहले ही यहाँ पे जूते चप्पल का स्टैंड है, तो यहाँ पे आपके फुटवेयर्स आपको उतारने हैं। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों श्री मुरुदेश्वर के दर्शन करने, जो कि भोलेनाथ का ही एक दूसरा नाम है। और यह है हनुमान जी, श्री अंजनेय देवरू। तो ये है पार्वती माता का मंदिर और ये है सारे नवग्रह। और यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ से आप लड्डू वगैरह ले सकते हो। अपन जो है लड्डू ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक प्रसाद अपने पास हो। कोशिश करेंगे मुंबई तक लेके जाने की और मम्मी पापा को भी खिलाएंगे जब यहाँ से हम जाएंगे। दो लड्डू प्रसाद ले लिया प्रसाद दोस्तों, बाहर चलते हैं। सो हो गए दोस्तों दर्शन, और अंदर ऑब्वियसली कैमरा अलाउड नहीं था, बीच में ही बोल दिया कैमरा बंद करो, तो इसके लिए मैंने बंद कर दिया, लेकिन मेरे दर्शन हो गए। और मुरुदेश्वर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को। सभी लोग ऐसे ही स्वस्थ मस्त रहो। ऐसा कहते हैं ना कि पहले गोपुरम इसलिए बनाया जाता था क्योंकि पहले जब गूगल मैप वगैरह नहीं हुआ करता था, मतलब जितना बड़ा गोपुरम बनाओ लोगों को उतना इजी हो जाता था दूर से पहचानने में कि यहाँ पे गोपुरम दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे टेंपल है। तो ये कुछ अराउंड 20 स्टोरेड है। सो यहाँ पे दोस्तों राज गोपुरम लिफ्ट एंट्रेंस है, यानी कि यहाँ पे आप 20 रुपीज़ पे करते हो अडल्ट के लिए और चिल्ड्रन के लिए 10। और ये गोपुरम के अंदर मतलब लिफ्ट से आप जाओगे और अच्छा सा आपको एक सीनिक व्यू मिलेगा, तो वो भी चलो ट्राई कर लेते हैं। टिकट जो है दोस्तों वो ले लिए 20 रुपीज़ अडल्ट और चिल्ड्रन के लिए 10। भाई जैसी लिफ्ट आती है तो जाते हैं फिर। वैसे हर एक विंडो पे लोग बैठे हुए हैं, बट स्टिल अपन ट्राई करते हैं थोड़ा सा शॉट्स लेने का। कर लिए यहाँ पे अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लेके। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे जैसी मैं यहाँ पे आई थी और उस स्टैचू को देखे, शिवा के स्टैचू को देख के मैं जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। एकदम बहुत ही बेहतरीन व्यू चाहिए ना, तो RNS रेसिडेंसी भी है। बाकी यहाँ पे ये नवीन बीच रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे अभी जाके अपन ब्रेकफास्ट या कुछ तो खाएंगे निकलने के पहले। और वो रहा बीच, वो भी अपन बाद में एक्सप्लोर करते हैं, पहले जाते हैं स्टैचू के पास। भू कैलाश के एंट्रेंस के लिए हमने पे किया 20 रुपीज़, चिल्ड्रन के लिए है 10। यहाँ से कुछ एंट्रेंस है दोस्तों। कंदुका पहाड़ी पर 3 ओर से पानी से घिरा यह मुरुदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव का आत्मलिंग स्थापित है जिसकी कथा रामायण काल से है।
अमरता पाने हेतु रावण जब शिव जी को प्रसन्न करके उनका आत्मलिंग अपने साथ लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में इस स्थान पर आत्मलिंग धरती पर रख दिए जाने के कारण यहाँ स्थापित हो गया था। गुस्से में रावण ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया। उस प्रक्रिया में जिस वस्त्र से आत्मलिंग ढका हुआ था वह मृदेश्वर, जिसे अब मुरुदेश्वर कहते हैं, वहां जा गिरा। और इसकी पूरी कथा शिव पुराण में मिलती है। यहाँ पे इस गुफा में सारी स्टोरी जो है रेप्लिकेट की गई है। तो दोस्तों, वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी स्टैचू है शिवा की, और कुछ 123 फीट ऊंची है। दोस्तों, शिवा स्टैचू के पास में जाके और वहाँ के भी टेंपल में दर्शन करके हो गया, काफ़ी मज़ा आया। अभी बज रहा है कुछ 12:40, तो बीच के पास चलते हैं, बीच का आपको नज़ारा दिखा देती हूँ, एंड उसके बाद में होटल चलते हैं, पैकिंग वगैरह सारी कुछ कर लेते हैं और फिर सीधा निकलते हैं और फिर कुछ खाते हैं। मैं आ गई हूँ दोस्तों मुरुदेश्वर बीच पे। यहाँ पे सारे लोग मस्त भीग भीग रहे हैं, प्लस वाटर स्पॉट्स भी मुझे थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, एंड बीच के सामने यहाँ पे सारा शॉपिंग वाली भी चीज़ें हैं, एंड प्लस खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है यहाँ पे। एंड जितने भी टूरिस्ट लोग आए होंगे वो लोग सीधा अपना बस लेके यहीं पे घुस गए हैं। और ये रहा गोपुरम और वो अपने भोलेनाथ। तो यहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट्स की प्राइजिंग लिखी हुई है। जेट स्की का 700 है, शिवा बैक बोट राइड 150, कैकिंग राइड का 300, मतलब सारा कुछ यहाँ पे प्राइजिंग लिखा हुआ है। इस बीच का पानी इतना ज़्यादा क्लीन है ना कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये बीच है। बीच से मैं दोस्तों निकल चुकी हूँ। बाकी बीच पे ही बहुत सारे ऐसे कपड़ों के शॉप्स हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप है यार। हाँ मैडम, कबर बंडा। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं आज, बहुत ज़्यादा। कितना नारियल पानी? 50 रुपीज़ का नारियल पानी मिल रहा है यहाँ पे। इतना तो मुंबई में भी मिलता है, तो मैं यहाँ पे क्यों पीऊँ? थोड़ा तो सस्ता करो यार। आई नो ऑब्वियसली टेम्पल के पास है तो इनका भी जो भी अर्निंग होता है वो सारे जितने विजिटर्स आते हैं उनकी वजह से ही होता है, तो प्राइजेस ये लोग थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। जा रही हूँ दोस्तों होटल पे, फ्रेशन अप होती हूँ एंड बैग लगेज के साथ में ही निकल जाती हूँ, ताकि फिर आराम से वहाँ पे बैठ के अपना लंच ही सीधा कर दूँ। ब्रेकफास्ट तो अपना गया, छोड़ो कोई नहीं, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो अपना चैनल कहाँ जाएगा आफ्टर कर्नाटका टूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सफ़र जो है वो सफल हो गया। सो मैंने आते से ही ना सबसे पहले चाय पी, बिकॉज आज अपनी सुबह की चाय जो है वो मिसिंग थी, इसलिए बहुत ज़्यादा और सर दुख रहा था, तो चाय मैंने सबसे पहले मार ली है और वेज थाली खा रही हूँ मैं। कितनी? एक चपाती है, पापड़ राइस, फिर वेज बिरयानी, कर्ड, रसम, फिश की भाजी है, दिस इज़ आई थिंक कौरमा दाल, फिर पनीर की भाजी है, गुलाब जामुन। फटाफट जो है लंच कंप्लीट करते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं, अपना लगेज वहाँ से पिक करते हैं और फिर निकलते हैं। जहाँ हम स्टे कर रहे थे दोस्तों वहीं का ये रेस्टोरेंट था, और थाली में सब कुछ एकदम बढ़िया था, बस पनीर की जो भाजी थी ना वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसका टेस्ट, तो वो तो मैंने अवॉइड किया। बाकी यस, लास्ट में मस्त राइस और कर्ड डाल के खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। कर्नाटका ट्रिप से मैंने ये चीज़ सीखी है, और एंड होता है गुलाब जामुन से। दोस्तों मैं जो है अपना लंच कंप्लीट करके यहाँ पे रिसेप्शन पे आ गई हूँ, तो रिसेप्शन पे अपना लगेज रखा हुआ है, यहाँ पे मैं वेटिंग एरिया काइंड ऑफ है वहाँ पे बैठी हूँ, बिकॉज ट्रेन अभी 5 बजे की है, काफ़ी टाइम है। बज रहे कुछ 4:37, स्टेशन के लिए निकलते हैं, बिकॉज 5:20 को ट्रेन आना चाहिए, बट मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इधर उधर लेट तो होगा ही।
हाय मेरी हालत देखो, ट्रैवलर ट्रैवलर। हर हर महादेव, मिलते हैं जल्दी। निकल चुकी हूँ दोस्तों मैं अपने होटल से और ऑटो की तलाश में हूँ। ऑटो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है, प्लस मुझे एटीएम भी देखना है बिकॉज कैश अपने पास है नहीं। बीच में एटीएम मिल गया है और पीछे अपनी ऑटो जो है वो खड़ी है, फटाक से कैश निकल के चलते हैं। ट्रेन जो है आ चुकी है दोस्तों, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेट है। अब पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेगी या कवर अप करेगी, गॉड नोस। मुझे नहीं लगता कवर करने वाली है, अपन लेट ही पहुँचने आ रहे हैं और उसके बाद में अपने को होटल हंट भी करना है कुछ रात के वक्त। देखते हैं कैसे क्या होता है यार, एक तो पता नहीं कोच यहाँ पे आएगा भी या नहीं, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ट्रेन जो है मिल चुकी थी दोस्तों और हुनावर पहुंची है, टाइम पे हो ट्रेन तो फटाफट जो है होटल वगैरह हंट करने में इजी हो जाएगा। अगर बहुत अंधेरा हो जाएगा तो फिर आपको पता ही है। तो दोस्तों यहाँ पे मडगांव में जो है काफ़ी ज़्यादा बाइक राइड्स एंड ऑल चलती है, तो अभी अपन ने ले लिए बाइक राइड पंचिल होटल तक जो कि अराउंड 1 किलोमीटर है, लेकिन भाई जो है 60 बोले थे, 50 में माने हैं, तो जा रहे हैं। सुबह वापस अपनी 6 बजे की ट्रेन है, सिर्फ स्टे रहेगा बट देन चलो एटलीस्ट मिल गया और अपन निकल गए यहाँ से, तो सीधे आप लोगों को होटल पहुँच के मिले। होटल्स पे होटल्स, ट्रेन्स पे ट्रेन, कितने होटल्स कितने ट्रेन, बस कुछ ही बचे हैं अब। और मैं जो है फाइनली होटल में पहुंच चुकी हूँ। वैसे ये वाला होटल मैंने ऑनलाइन चेक किया था, बाकी सारे होटल जो है स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये विदिन 1 किलोमीटर था और जितने भी स्टेशन के एकदम पास में है कि प्राइसेस तो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब 2500 से कुछ स्टार्टिंग है, ऐसे टाइप की प्राइसेस है। इस होटल की कॉस्टिंग मुझे पड़ी है 1142 सिर्फ अभी से लेके सुबह 6 बजे तक। मतलब आप भले ही आप कम ड्यूरेशन के लिए हो, आप 24 आवर्स के लिए नहीं हो, लेकिन स्टिल ये लोग ना उतना ही काटते हैं। तो मेरा कट चुका है, अब कुछ ऑप्शन है नहीं। स्टेशन पे जाके भी रिटायरिंग रूम्स जो होते हैं वहाँ पे भी पता किया, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कुछ स्टेशन्स पे जो है रिटायरिंग रूम्स होते हैं, रूम्स अवेलेबल होते हैं, अगर आप वेबसाइट से यानी कि रेलवे की वेबसाइट से अगर आप बुक करते हो तो आपको मिल जाएंगे फटाक से। अगर आप वहाँ जाओगे तब तक रूम सारे जो है पैक हो जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए मिल रहा था। 3 घंटे के बाद क्या करूँगी रात को निकल के। फिर एक बार ये भी सोचा कि वेटिंग रूम में रह जाऊँ, बट रात भर वेटिंग रूम में रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप लोग मडगांव में आते हो तो यहाँ पे स्टे कर सकते हो, तो यहाँ से कुछ एंट्री है, वॉशरूम कुछ ऐसा है, यहाँ पे कबर्ड दिया हुआ है, फिर यहाँ पे टेबल है, 2 चेयर्स है, 2 बेड्स है, फिर टेबल है। 80% होटल में जो है टीवी चलती ही नहीं है, तो ये भी नहीं चलती होगी। आज के लिए बस इतना ही, किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया होगा, झिंगाट दिल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गाइस। वैसे आप लोग सोचते होंगे कि मडगांव क्यों आई हूँ, तो मैं गोवा एक्सप्लोर करने नहीं आई हूँ, ना मैं गो करना जा रही हूँ, बिकॉज मुझे जाना है हम्पी और मुरुदेश्वर से। हॉस्पिटल के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, इसके लिए मुझे मडगांव आना पड़ा और मडगांव से अब मेरी मॉर्निंग की ट्रेन है हॉस्पिटल के लिए, तो इसलिए मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग की ट्रेन लेने के लिए जानी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बाय।